हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल आ रहा है कि यार, R15 का जो आप V3 वर्जन था, वो कि डिसकंटिन्यू होने वाला या नहीं होने वाला। काफ़ी ज़्यादा मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछना भी चाह रहे हैं कि भाई, एक्चुअली में जो वर्जन 3 आता है यामाहा का, वो डिसकंटिन्यू हो गया या अभी भी कंपनी सेल कर रही है। तो भाई देखो, इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि डेफिनेटली ये आपको डिसकंटिन्यू होने वाला है इन फ्यूचर। बिकॉज़ यार, जो अभी वर्जन 4 आया है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में है और काफ़ी ज़्यादा बिक भी रहा है। तो वर्जन 3 इतने लोग ले भी नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम स्टॉक भी शोरूम में अवेलेबल नहीं है। मोस्टली शोरूम में मैंने विजिट करी और देखा कि मोस्टली शोरूम में आपको वर्जन 3 जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको सिर्फ वर्जन 4 ही देखने को मिलेगा। बाकी आप जहाँ भी रहते हो, जिस सिटी में भी रहते हो, वहाँ पर जाकर आप एक बार चेक कर सकते हो कि वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है या स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहोगे कि भाई बता दो एक बार, अगर आप दिल्ली या नोएडा से हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन मेरे को बोल देना कमेंट में कि भाई बता दो कौन से शोरूम में अवेलेबल हो जाएगा स्टॉक, तो मैं चेक करके आपको डेफिनेटली वो उसके बारे में अच्छे से आपको बता दूंगा। तो भाई, अब जो बात आती है कि इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था वर्जन 3 को, देखो यार, डिसकंटिन्यू तो नहीं करना चाहिए था। बिकॉज यार, जो R15 वर्जन 3 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक थी, ओवर एक्सपेंसिव थी, बट ये जो वर्जन 4 के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी आपको एक्सपेंसिव नहीं देखने को मिलेगी। बिकॉज जो वर्जन 4 है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया, 2 लाख पार चले जाता है यार, फ्यूचर उसके अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यार, जो वर्जन 3 था वो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा था लोगों का, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद भी करते थे। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख ही रहे हो, ये दोनों मेरे सामने, एक वर्जन 4 खड़ा है, एक वर्जन 3 खड़ा हुआ है। दोनों में आप खुद ही डिफरेंस लगा लेना, क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिलती है। और मेरे चैनल पर वीडियो भी पड़ी हुई है, जिस जिस किसी भाई को देखनी है, आई कार्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने दोनों का कंपेरिजन वीडियो भी बना रखा है कि क्या क्या इसके अंदर दोनों में आपको नए नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू R1 वर्जन 3। तो बात कर लेते हैं यार डिसकंटिन्यू। ऑफिशियली अभी तो ऐसा अनाउंस नहीं किया यामाहा ने कि उसने जैसे बाइक अभी शोरूम में अवेलेबल है कुछ शोरूम में, तो ऑफिशियली उन्होंने अभी डिसकंटिन्यू नहीं किया है बाइक। बट डेफिनेटली यार, जल्दी ही न्यूज़ आने वाली है कि वो वर्जन 3 को डिसकंटिन्यू कर देंगे। शोरूम में अगर आप विजिट भी करोगे तो वो आपसे वो सीधा बोलेंगे, अरे नहीं, वर्जन 3 मत लो, आप वर्जन 4 लो, इसके अंदर आपको नए नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप वर्जन 3 के लिए जाओ, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि वर्जन 4 लो। अगर आप मेरी राय मानोगे तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा यार, जो वर्जन 3 थी वो वैल्यू फॉर मनी बाइक थी, बढ़िया बाइक थी, सब कुछ उसमें अंदर आपको बढ़िया देखने को मिलता था। बट जो आपको वर्जन 4 देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर प्राइस भी आपको हाइक देखने को मिल जाता है। जो उसका प्राइस आता था यार, वो 1,80,000 और 1,85,000 रुपये समथिंग देखने को मिलता था ऑन रोड। बट जो भाई R15 MI है ना वर्जन 4, उसका आपको 2,20,000 25,000 रुपये देखने को मिल जाता है। तो यार, प्राइस का डिफरेंस जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आया है। जो जितने भी हमारे V3 लवर भाई हैं, सबको यार R15 जो वर्जन 3 था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर आपको किसी को अभी भी चाहिए कि भाई मेरे को वर्जन 3 ज़्यादा अच्छा लगता था, मैं वही लूँगा, तो यामाहा ने उसका एक R15S के नाम से वर्जन लॉन्च किया है। आप उसको जा सकते हो, देख सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको जो चेंजेस देखने को मिलता है, वो सीट का चेंजेस आपको सिर्फ देखने को मिल जाएगा उसके अंदर, और उसके अलावा आपको उसके अंदर कुछ भी नया चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। लुक आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी, और केवल उसके अंदर आपको ब्लू कलर ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे लोग कि भाई उसके अंदर कलर कौन सा देखने को मिलता है, तो जो कलर देखने को मिलता है वो सिर्फ ब्लू ही देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको सीट डिफरेंस का देखने को मिल जाएगा, एक जो चेंजेस है, और दूसरा चेंजेस जो आपको देखने को मिलता है वो आपका जो अलॉय है, इसके अंदर जो वर्जन 3 है, उसके अंदर आपको ब्लू कलर भी देखने को मिलता है, बट उसके अंदर आपको ब्लैक अलॉय देखने को मिल जाएंगे। मैं उसकी भी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो एक बार जाके एक बार मेरा रिव्यू चेक कर लो। वो भी मैंने एक इसके ऊपर भी टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, आई होप वो भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी यार। तो भाई, ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, जो वर्जन 3 है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है। बट क्या कर सकते हैं यार, अब एडवांस हो गई है सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह, अब हमें भी एडवांस होना पड़ेगा। वर्जन 3 को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, अब वर्जन 4 के लिए ही हमें जाना पड़ेगा। पावर भी आपको वर्जन 4 में थोड़ी कम ही देखने को मिलती है, बट क्या कर सकते हैं भाई, अब आपको वर्जन 4 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज जो वर्जन 3 है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। सो यार, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आप लोगों को बताना जरूरी था कि एक्चुअल में बंद होने वाली है नहीं होने वाली, सो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ सवाल हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ भाई। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले यार, ऐसी वीडियो तुम्हारा भाई लेके आता रहता है। कीप सपोर्टिंग एंड लविंग, लव यू ऑल।